नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबाली। और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जहां देश भर में राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू समाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को गिनाया है। इसके साथ ही सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए, ये हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। स्पिरिट कहेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारी गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे, तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राज्य के राष्ट्र। समाजवादी पार्टी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान के नाम भी शामिल है। सूची में पहले स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम है। सपा की सूची में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, मोहम्मद आजम खान, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल सिंह यादव समेत 40 नेताओं को शामिल किया गया। वहीं सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम होने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने करारा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है, आजम खान। आजम खान सजायाफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। यानी जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब तक समाजवादी पार्टी के साथ ना आ जाए समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन उनके मंसूबे धरे रह जाएंगे क्योंकि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। न जाने कितने विधवाओं की, गरीबों की, मुस्लिमों की भी उन्होंने जमीनें कब्जाने का काम किया है, उन पर सजायाफ्ता हो चुके कोर्ट ने ट्रायल करके, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उनको अपना सर का ताज मानने से इनकार नहीं कर रही है। यूपी में होने वाले उपचुनावों के बीच अलीगढ़ की खैर विधानसभा से बड़ा मामला सामने आया, जहां खैर के चमन नगरिया गांव के लोगों ने चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि ग्रामीण कई सालों से गांव से गुजर रही 33,000 की लाइन से परेशान है। गांव खैर बनकर गुजर रही है, 33,000 लाइन से आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी हाल ही में इसकी चपेट में आकर 10 साल के मासूम ने अपने हाथ और पैर गवा दिए। ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत जिलाधिकारियों से करते आ रहे, जिसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। एक बच्चा तो बोला पैर कट गया, उसका हाथ कट गया, पेट में जला हुआ है, वो बेकार हुआ। पहले एक आदमी खत्म हो चुका उसका, जब तक वो लाने हटेंगी जब तक कोई वोटिंग नहीं होगी। यहाँ कम से कम मानो 1200 वोटिंग। हाँ जी, हाँ, सबसे कर ली साहब, चेयरमैन से कर ली, सांसद जी से कर ली, विधायक जी से कर ली, कोई नहीं समझा बिल्कुल। सांसद जी ने आज तक ये नहीं देखो चुमन नगरी है कहाँ, जब वोटिंग जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, उसके बाद ये नहीं देखा चुमन नगरी है कहाँ है। तो मेरे बच्चा के साथ हुआ है, इसी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे उम्र लगभग 10 साल में पलने वाला है। नाम क्या बच्चे का? बच्चे का नाम सौरभ कुमार है। वो क्या है इसके साथ? इसके साथ लाइन पकड़ लिया था, एक पैर एक हाथ दोनों कट गए हैं।